प्यार, इकरार, फिर हत्या। शादी नहीं हुई तो कर दिया मौत के हवाले। बेवफा प्रेमिका खून कर शांत हुई प्रेमिका। पहले प्यार, साथ जीने मरने की कस्में खाई, लेकिन जब मौका आया तो प्रेमी ने धोखा दे दिया। शादी ना होने का मलाल प्रेमिका पर इस कदर घर कर गया कि उसने अपने प्रेमी की जान ले ली। मामला वैशाली जिले के लोमा पंचायत का है, जहां प्रेमी की शादी हो जाने से नाराज विवाहिता प्रेमिका ने शराब पार्टी में बुलाकर अपने प्रेमी की हत्या कर दी। इसी लोमा पंचायत भवन में 5 दिनों से गायब युवक का शव मिला, तो पहले कोई कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन बाद में ये सामने आया कि मृत युवक का एक विवाहिता महिला से प्रेम प्रसंग चल रहा था। प्रेमिका और उसके परिवार वाले मृतक मनीष के जमीन जायदाद हड़पने के लिए उसकी शादी नहीं होने दे रहे थे। पहले भी जमीन हड़पने के लिए मृतक के साथ मारपीट की गई थी, लेकिन जब उसकी शादी हुई तो मौत के घाट उतार दिया। जैसे शादी हुआ उसको 15 के 2-3 दिन बाद उसको ले गया, कहा कि चलिए घूमने फिरने, ले गया और ले जाके मार के बिक दिया। कौन लोग थे जो किनके साथ गए थे? मनीष रूप कुमार राय था, दिलीप राय था, उसको बाप के नाम है क्या भगवत राय, उसको बहन था, सब आदमी मिल के ऐसा ऐसा साल भर पहले वो बोला कि इसे हमको जमीन लिख दो ना तो हम बहन के भाई तुमको मार देंगे, तो बोला कि हमको गार्जियन के जमीन है, हम कैसे बेच सकते हैं। गायब होने के प्राथमिकी दर्ज थाने में करवाए थे आप लोग? हाँ, तो कराए थे 21 तारीख के हम थाना पर हम सब गए थे, उनको मम्मी केस करवाए, केस करा के तब आए, तब पता चला कि पते करते करते रह गए इतना दिन में, तो उसके बाद पता चला कि पंचायत भवन में वहाँ पर बड़ी रखा हुआ है। जंदहा थाने में पिछले 21 जून को दिलीप राय, मनीष राय और भागदेव राय समेत दूसरे लोगों पर मनीष को घर में बुलाकर ले जाने की प्राथमिकी दर्ज करवाई गई थी। प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई। इसी बीच बीते देर शाम पंचायत भवन परिसर में खेल कूद रहे युवाओं को दुर्गंध मिली और जब भवन की छत पर देखा तो शव पड़ा हुआ था। कि ये लड़का का अपहरण की बात आई थी, इनकी माता ने जो है सो एक सूचना दर्ज कराया था कि बगलगीर चचेरा भाई लगेगा और बहनोई लगेगा, वही मिल करके ले गया है चौक पर, उसके बाद से वापस नहीं आया है। तब से इसकी तलाश की जा रही थी, लेकिन ऐसे निर्जन स्थान पर ले आ करके इसको मारा गया है जिसका पहले से पता नहीं चल सका था। और आज अभी जानकारी मिली है आज कि इसका लाश ये लोमा तिसियावता थाना अंतर्गत लोमा पंचायत भवन के छत पर दक्षिण किनारे सीढ़ी रूम में सड़े गले स्थिति में शव पाया गया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक पंचायत भवन की टूटी खिड़की के रास्ते सभी हत्यारे अंदर दाखिल हुए। इसके बाद युवक को छत पर ले जाया गया था और फिर हत्या कर दी गई थी। आज तो यही है, बॉडी ऊपर में मिला है, क्या किया हुआ है पूरा, बहुत रामी से मारा गया है। 3 दिन पहले शादी हुआ, उसके बाद मालूम पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल हाजीपुर भेज दिया गया। वहीं सभी आरोपी घर छोड़कर फरार हो गए हैं, जिनकी तलाश में छापेमारी की जा रही है। अनिल कुमार, वैशाली।